आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस प्यार को क्या नाम दूं के इस एपिसोड में आप देखें कि खुशी अर्नव को धमकाती है कि यहाँ तो बिल्कुल मत आना, तो अर्नव उसके घर में से ही निकलता है। तो अर्नव ने इतना सब किया फिर भी खुशी अर्नव के साथ जाने को तैयार नहीं और पैरों में चोट लगने का बहाना बना देती है। तो अर्नव को सच में लगा कि खुशी को पैर में चोट लगी होगी, तो यह देखने के लिए वो खुद का पैर दरवाजे पर मार देता है। तो खुशी फट से खड़ी होकर आती है और आपको कुछ हुआ तो नहीं ऐसा पूछती है। तो अर्नव को पता चल जाता है कि खुशी को रायजादा हाउस नहीं आना इसलिए चोट का बहाना बनाया है। अर्नव कहता है ठीक है, तुम्हारे घर वाले आएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी के बारे में बता देंगे, फिर तुम मेरे घर मत आना। तो खुशी अर्नव के घर जाने के लिए मान जाती है। अर्नव कहता है तुम्हारे पैरों में चोट लगी होगी तो भी मैं उठाकर ले जाती। अर्नव खुशी रायजादा हाउस आते हैं, वहाँ पर रक्षाबंधन की तैयारी चल रही थी। खुशी को पता चलता है कि अंजलि अर्नव से थोड़ी सी नाराज है। तो खुशी के दिमाग में एक आइडिया आता है और एनके को बताती है और एनके अर्नव को समझाता है और अर्नव मान भी जाता है। तो राखी के लिए सब तैयार होकर आते हैं, सबने अच्छा इंतजाम किया था। और जब अर्नव वो सफ़ेद कुर्ता पहनकर आता है जो अंजलि ने गिफ्ट किया था, तो देखकर सब अंजलि और सब खुश हो जाते हैं कि अर्नव वैसी बातें कब से मानने लगा। वैसे तो आइडिया खुशी का था पर खुशी एनके का नाम देती है, तो ये भी एक इंसान की अच्छी क्वालिटी है। तो उसके बाद अर्नव कहता है खुशी तुम्हारे आइडिया की वजह से मैंने कुर्ता पहन रखा था, अभी भी पहन रखा है। तो खुशी यह सुनकर हैप्पी फील करती है और सुबह खुशी को भी एक सरप्राइज़ मिलता है। दो दिन पहले जो अर्नव ने खुशी से जो गिफ्ट पैक करवाए थे वो सब गिफ्ट खुशी के लिए ही थे, ये खुशी को अभी पता चलता है। उस गिफ्ट में सारी खुशी की मनपसंद चीज़ें होती है, जैसे चने, जलेबी और एक चीज़ ऐसी भी होती है जो देखकर खुशी इमोशनल हो जाती है और अर्नव को गले लगा लेती है कि किसी भी इंसान को अच्छा लगेगा अगर कोई खड़ूस इंसान इतना केयरिंग हो जाए तो। जब खुशी अंजलि को बाहर ढूंढने जाती है तो अंजलि को किसी से बात करते देख लिया, उसने शक भी किया लेकिन कुछ बोला नहीं। वैसे आपको भी पता है कि अंजलि शाम से बात कर रही थी लेकिन घर में किसी को पता नहीं, अगर अर्नव को पता चल जाता तो फिर से शाम की धुलाई कर देता। तो ऐसे कहानी चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।